उस तरफ देख लीजिए, उधर देख लीजिए, क्या करें आज? रिवीजन करने वाले हैं ना, क्या करने वाले? रिवीजन करने वाले हैं। ओके, क्या स्टार्ट करें बताओ? बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। ओके, कहां से शुरुआत करूं बताओ? कहां से शुरुआत करूं, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। वेक्टर्स से स्टार्ट करूं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आती है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आती है? ईमानदारी से बोलो, डिफरेंशिएशन आती है? ग्राफ्स, आ जाओ जल्दी आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, आ जाओ, इंटीग्रेशन, वेक्टर, लॉग, ठीक, बाइनोमियल। इसमें से ये बताओ, इसको डील करने की जरूरत है कि हुआ है? हाँ, इसको छोड़ दूँ? पक्का? ठीक है, अलजेब्रा छोड़ दूँ, डिफरेंशिएशन है छोड़ दूँ, किसी को भी अगर लगे कराना है तो बोलना है, सब बोल रहे हैं इसलिए हम बोलना है, हमें बोलना है, ऐसा नहीं सोचना है। बोलो, डिफरेंशिएशन, आओ बेटा, छोड़ दूँ, इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन कराना है, चलो ठीक है। तो बेटा मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूँ, डिफरेंशिएशन भी कराना है, ओके ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, अपने पास पूरा वीक है। हाँ क्या हुआ? हाँ चलो चलो, पूरा वीक है अपने पास, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, एकदम जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना, तो हम लोग सीधा रूल्स से देखेंगे, है ना, कहाँ से बात करेंगे? रूल्स से बात करेंगे। तो हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं बेटा? किसी फंक्शन का करते हैं, है ना, तो y f ऑफ x, क्या मतलब हुआ इसका, क्या पढ़ते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर दिख रहा है कि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है ना, या मैं लिखता हूँ कि y बराबर साइन x, ठीक है, तो y क्या है देखो, x बदलूंगा तो बदलेगा, y बराबर मान लो मैं लिखता हूँ e टू दी पावर x, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये सारे जो है वो क्या है, x के फंक्शन है, किसी और चीज के भी फंक्शन हो सकते हैं। मैं जब किसी को कहता हूँ कि वो उस चीज का फंक्शन है, मतलब उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड कर सकता है, प्रेशर पे, फोर्स पे, डिस्टेंस पे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जो चीज जिस पर डिपेंड कर रहा है वो उस चीज का क्या है, फंक्शन है, समझ गए? ठीक, तो जनरलाइज्ड वे में मैं कह रहा हूँ कि ये कोई क्वांटिटी है जो ये ऐसे दूसरे किसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, आगे बात समझ में। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हाँ एक चीज फिक्स है कि वो जिस क्वांटिटी का फंक्शन होगा हमें उसी के साथ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आई कि नहीं बात समझ में? अगर वो x का फंक्शन है तो x के साथ, टाइम का फंक्शन है तो टाइम के साथ, ठीक है, डिस्टेंस का फंक्शन है तो डिस्टेंस के साथ करेंगे, आगे बात समझ में। तो जैसा हम जनरलाइज फॉर्म यूज कर रहे हैं, x का फंक्शन है, ठीक, आगे बात समझ में। तो डिफरेंशिएट जब अपन करते हैं तो अपन कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं बेटे, एक एक करके उन रूल्स की बात करेंगे, है ना। सबसे पहला इसको कहते हैं कांस्टेंट रूल, है ना, कांस्टेंट रूल, आप लोग साथ में बोलोगे तो आपको जल्दी याद होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना बेटे। तो मान लो मैंने बोला कि वाई बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कॉन्स्टेंट मतलब क्या होती है, j
जिस चीज की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, जैसे कि कोई नंबर है ना, किसी नंबर की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। 5 है तो भैया वो हमेशा 5 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। या फिर आपके क्वेश्चन में कहा गया हो कि फलाना क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, आपको कह दिया गया हो, तो वैसी क्वांटिटीज का जब हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तब की बात कर रहा हूं। जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बोला कैपिटल जी क्या है भैया, कांस्टेंट है, तो वो हमेशा क्या होगा है ना, कांस्टेंट ही रहेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? पाई है, पाई की वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकती, कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, कैपिटल आर, तो जैसा कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है वैसा कैपिटल आर भी क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो या उस सिचुएशन में वो चीज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ठीक है। तो इफ वाई इज एनी कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। टाइम के एक्स के साथ कर रहा हूं तो एक्स टाइम के साथ करता तो टी, है ना, एस के साथ करता तो एस, जो जिस क्वांटिटी के साथ मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा वो चीज यहाँ आएगा। तो कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, समझ गए ना। इस पे एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या, चलो एक ले लेता हूँ। जैसे कि वाई बराबर 7 है ना बेटा, मैं बोलता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बताओ इसका, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को, ठीक है। फर्स्ट रूल क्लियर है। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या कहलाता है बेटा, पावर रूल। ओके, पावर रूल क्या कहलाता है, अगर मान लो मैंने लिया वाई बराबर एक्स रेस टू एन, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब करना होगा तो पावर को क्या करना है, सामने लाना है और 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पावर रूल। एग्जाम्पल के तौर पर वाई बराबर अगर मैंने एक्स टू लिया, क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, 2 सामने आ गया और एक्स का 2 माइनस 1 क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर मैंने y बराबर क्या लिया बेटा, x लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा, है ना, x का x के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, है ना। y ही तो x है ना बेटा, y ही तो x है ना, तो x रखूंगा तो x dx dx क्या हो गया, 1 हो गया। या फिर दूसरे तरीके से सोचना है, 1 है तो 1 सामने आएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0। किसी भी चीज पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सो ओवरऑल ये क्या है, 1 है, ठीक है, x का x के साथ। अगर मैं बोलूं बेटा कि y बराबर क्या है, रूट एक्स है, क्या करोगे बताओ, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, है ना, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 सामने आया बेटा, है ना, और एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, बता दो क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, आ रहा है बात समझ में, 1/2 एक्स का पावर -1/2, ये नीचे आ जाएगा बेटा, तो क्या बच जाएगा, एक्स का पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या, रूट एक्स। तो ये देखो इसका क्या आ गया, 1/2 √x आ गया, समझ समझ में आ रहा है ना बेटे, ठीक है। तो अगर मैंने लिया बेटा वाई बराबर एक्स का पावर 3/2, बताते चलो फटाफट बोलो, सब बोलो बेटा, चुप मत रहो। 3/2 सामने आया, 3/2 का -1 क्या बचा बेटा, 3/2 एक्स का पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट एक्स। समझ आया ना आपको, तो ये पावर रूल क्लियर है। अरे आपको सीखना है, आपको बोलना चाहिए ना, ठीक है, हम तो कई बार सीख चुके हैं, हर बार हम ही सीखते हैं, इस बार आपको सीखना है, बोलना चाहिए। तो 2 रूल हो गए बेटा पावर रूल। अब की बार करेंगे हम लोग, कहते हैं बेटा कॉफिशियंट रूल। थर्ड रूल इज कॉफिशियंट रूल। ओके, कोफिशियंट रूल, अगर मान लो फंक्शन के साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना, y बराबर फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये फंक्शन है और उसके साथ ये चीज मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको क्या करना है, जब आप dy बाई डी एक्स करोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको एज इट इज रखना है, कॉफिशियंट वाला जो टर्म है उसको एज इट इज रखना है, और डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है बेटा,
फंक्शन का करना है, समझ गए क्या? किसका डिफरेंशिएशन करना है? फंक्शन का करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने लिखा वाई बराबर 3x³, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है बेटा, मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है, और ये वाला चीज़ क्या है, फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना, पावर रूल लगेगा इसमें। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, बोल दो बेटा 3 को एज इट इज़ रखूँगा, और x³ का कैसे करते थे, 3 को सामने लाया, 3 को माइनस किया, क्या बचा बेटा 2, तो ये कितना हो गया 9x², अच्छे से समझा? बोलो बोलो, अगर मैंने y बराबर लिया 4x⁵, चलो फटाक से बोलो डी वाई बाई डी एक्स, 4 को एज इट इज रखा, x 5 का क्या बेटा 5x⁴, तो 20x⁴। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गया ये रूल? आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। अब हम करेंगे बेटा चौथा। चौथा क्या कहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मान लो बेटा एक से अधिक टर्म हुआ तो, है ना, अगर एक से अधिक टर्म हुआ तो, है ना, वो प्लस या माइनस हुआ तो, इसमें यू क्या होना चाहिए बेटा, वो भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वी जो है वो एक्स का, वो भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। जब ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अल्टीमेटली वाई भी क्या हुआ, एक्स का फंक्शन हुआ। ठीक है, तो जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर जो दूसरा टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए? तो ये मुझे ओवरऑल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो y बराबर x² + 4x + 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करने बोला जाएगा dy by dx, तो मेरे लिए मैं इसको एक टर्म मानूंगा, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इसको इसको कौन सा रूल लगाऊंगा, पावर रूल। कितना हो जाएगा बेटा 2x, इसमें क्या लगाऊंगा, कॉफिशियंट 4 एज इट इज रहेगा, और x का क्या होता है बेटा 1 ना, फिर 5 का क्या होगा 0, समझ गए? तो क्या आया बेटे 2x + 4। आगे बात समझ में, नहीं क्लियर हुआ, एक और एग्जांपल लूं, बोलो एक और एग्जांपल लूं, चलो इफ y इक्वल्स टू x³ + √x + 9, चलो बोलो बेटा dy वाई बाई डी एक्स बराबर x³ का क्या बेटा 3x² + √x का, रूट एक्स को क्या लिखेंगे बेटा, x का पावर 1/2, 1/2 बाहर गया, x का पावर 1/2 माइनस 1, क्या बचेगा, x का पावर माइनस 1/2 को नीचे ला करके क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस 9 का क्या बेटा, समझ गए? तो 3x² + 1/2 √x इज द डिफरेंशिएशन, समझ गए हम लोग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, पांचवा कहलाता है बेटा डिवीजन रूल, है क्या, डिवीजन। फिफ्थ प्रोडक्ट नहीं हुआ ना अभी, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट टूल। अगर मान लो y बराबर दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हो, इफ, है ना, y बराबर u इंटू वी, ओके, तो इसमें u क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, v को भी x का फंक्शन होना चाहिए, ये x पे, ये x पे, तो ये किस पे, ये भी x पे, तो ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, तो x के साथ। तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, एक टर्म को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, समझ गए क्या, सिंपल, ओके। जब मैं कहता हूँ कि एक टर्म को कांस्टेंट रखना है, मतलब एज इट इज़ रख देना है, ठीक है, जैसा है वो वैसा रख देना है,
क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, y बराबर अगर मान लो लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर ऐसा, और बोलता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर दो टर्म है भाई, एक u एक v। जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो एक को मैंने बोला कांस्टेंट रखने के लिए, है ना, तो इसको एज इट इज ले लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा हूँ तो एक्स माइनस फोर को डिफरेंशिएट करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन और जीरो फोर का, समझ गए। फिर क्या करना है बेटा, प्लस लेना है ना, दूसरे टर्म को क्या करना है इस बार, कांस्टेंट रखना है, पहले टर्म को क्या करना है इस बार, डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या बेटा, टू एक्स फोर का क्या बेटा, समझ गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन है ना, प्लस एक्स माइनस फोर इंटू टू एक्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, है ना। और एग्जाम्पल लूँ कि समझ आया, और एग्जाम्पल लूँ, नहीं ना, चलो सिक्स्थ इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल इसमें क्या है, इफ y इक्वल्स टू यू अपॉन b, ठीक है, डिवाइड में रहे दो फंक्शन, जिसमें u क्या होना चाहिए f ऑफ x, v क्या होना चाहिए f ऑफ x, तो अल्टीमेटली y b क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। देयरफॉर dy बाय dx जब आप इसको करोगे तो ये न्यूमरेटर हुआ बेटा, ये डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हुए न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस का साइन लगाओ, ठीक है। फिर अब की बार क्या करना है, u को कांस्टेंट रखना है और v को डिफरेंशिएट करना है और अपॉन v का स्क्वायर करना है, नहीं ना, समझा, समझ लेंगे। एग्जाम्पल y बराबर अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री ऐसा हो, तो दो चीजें क्या है, डिवाइड में है, क्या करने बोला मैंने, बोलो बोलो, इसको पहले कॉन्स्टेंट एक्स माइनस थ्री, इसको डिफरेंशिएट बोलो टू एक्स, फिर क्या माइनस, फिर इस बार क्या करूं, किसको कॉन्स्टेंट रखो बेटा, इसको कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर किसको डिफरेंशिएट करो, इसको करो, एक्स का कितना, थ्री का कितना, ठीक, समझ गए, अपॉन क्या बेटा, क्लियर है मेरी बात, तो बस हो गया ये आपका डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल और लो कि आगे बढ़ूं, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा डिवीजन रूल, ओके। अब देखो एक होता है बेटा लास्ट चेन रूल, क्या चेन रूल, सातवां ना, चेन रूल। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कि हमने क्या देखा, ये इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, क्लास दे रहा हूँ, अच्छा, तो क्या चीज भेज रहे, पुराना वाला आपके पास नहीं है, हाँ मतलब नया आंसर की वो करना पड़ेगा, ओके ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, हाँ कभी क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि y जो है ना वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है, तो भैया y u पे डिपेंड किया और u फिर x पे डिपेंड किया, तो y अल्टीमेटली किस पे डिपेंड किया, x पे, समझे कि नहीं, आ रही बात समझ में। मान लो कि मैं अपने पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ
और मेरे पिताजी खुद नहीं कमाते, वो भी अपने पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली मैं भी दादाजी के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ ना। तो वैसा ही कुछ केस है यहाँ पे, आ रही बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, हमको क्या करना है, वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के साथ, डी वाई बाय डी एक्स करना है। लेकिन हमने क्या बोला है बेटा, जो जिस चीज़ का फंक्शन होगा उसी के साथ डिफरेंशिएट होगा, तो इसको किसके साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बोलो, यू के साथ। इसको किसके साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक्स के साथ। क्या लिखूंगा इसको, डी यू बाय डी एक्स। आ रही बात समझ में? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो, डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, है ना, ये कट जाएगा, देखो आया डी वाई बाय डी एक्स, समझा क्या? तो क्या करने का, इस ये जिसका है उसके साथ डिफरेंशिएट करने का, ये जिसका है उसके साथ डिफरेंशिएट करने का, और दोनों को मल्टीप्लाई करने का, समझ गए क्या? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते वक्त क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स करना है, है ना बेटे? नहीं समझा, क्लियर है? लेकिन ये क्या है, थोड़ा लंबा है ना। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि y बराबर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन का पावर 5, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पहले क्या होता था, x होता था और ये पावर होते थे, अब यहाँ पर x नहीं है बल्कि पूरा एक फंक्शन है ना, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, u, नहीं समझा, तो u बराबर क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, और y बराबर क्या हुआ, u रेस टू 5, तो देखो y u का और u x का, हुआ ना, आया समझ में? तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको क्या करूँगा बताओ, इसको क्या होगा, dy वाई बाई डी यू, कितना आया, 5u4 और इसको du यू बाय डी एक्स, बोलो कितना, 2x, समझ गए, ऐसा आया बेटा। फिर मैंने क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो du कट जाएगा बेटा, dy वाई बाई डी एक्स बचेगा, तो कितना आया देखो, 5u4 2x प्लस 4, है ना, तो 5x, u किसको माने थे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को, है ना, इंटू 2x प्लस 4, देखो आ गया, क्या आया समझ में? शॉर्टकट में कैसे करेंगे बेटा, सीधा आप कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा, पावर फंक्शन है, तो इसको पावर फंक्शन की तरह सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, 5 सामने आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, ऐसी करते थे ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो 5 सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का, है ना, पहले इसको फंक्शन नहीं मानने के, को सिंगल टर्म मानने का, जैसा x रेस टू पावर करते थे वैसा ही, तो क्या हो जाता था, पावर सामने हो जाता था और 4 रह जाता था। अब क्या है बेटा, ये खुद में एक फंक्शन है, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करने का, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4, तो देखो ये और ये सेम चीज़ आया ना, नहीं समझा, आया समझ में? एक और एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 का पावर 4, बताओ क्या हो जाएगा बेटा, dy वाई बाई डी एक्स, जल्दी बोलो, 4 क्या, फिर समझ गए, है ना, पहले इसको पावर के जैसा किया, फिर इसको खुद को कर दिया डिफरेंशिएशन, आगे बात समझ में? तो ये कहलाता है बेटा चेन रूल, है ना, क्लियर है मेरी बात, या तो लॉन्ग मेथड से जाओ या तो ऐसे करो, ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है बेटा, कुछ चीज़ों के जो डिफरेंशिएशन है वो स्टैंडर्ड होते हैं, उसको आपको क्या होना करना पड़ता है, सीधा सीधा याद रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ चीज़ों के डिफरेंशिएशन को अपने को सीधा सीधा लर्न करना है, ठीक, किसको लर्न करना है भाई, तो एक डी बाय डी एक्स साइन एक्स, है ना बेटा, डी बाय डी एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, सेकेंड इज डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का एक्स के साथ करेंगे, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, है ना, यहाँ कुछ टी होगा तो यहाँ टी होगा,
जो भी चीज होगा ये वो यहाँ पे भी होगा, है ना बेटा। कॉस एक्स का क्या? माइनस साइन एक्स, बहुत अच्छे। तीसरा डी बाई डी एक्स किसका बेटा? हाँ सेक एक्स का क्या था? सेक एक्स टेन एक्स है, बोलो। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉसिक एक्स का क्या था बेटा? माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, बोलो बेटे। कॉसिक स्क्वायर एक्स सेवन, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, एंड डी बाई डी एक्स एल एन एक्स। कौन एल एन? मतलब नेचुरल लॉ, ठीक है। इसका क्या होता है बेटा? वन बाई एक्स, समझ गए क्या? इसको अपने को क्या होता है? सीधा सीधा लर्न करना होता है। याद हो गया आपको? हाँ याद हो गया आपको, बोलो बच्चे। अब जो हमने इसके पहले छह रूल पढ़े वो सारे रूल्स क्या कर सकते हैं हम? रूल्स में इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि मैं बोलूं एग्जाम्पल नंबर वन, सबको बोलना है, ठीक है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, बताओ बेटा डी वाई बाई डी एक्स, सबको बोलना है जल्दी। टू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, समझ गए? सबको बोलना है वाई बराबर साइन एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस ई एक्स, जल्दी बोलो। डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, समझ गए ना? हो जाएगा, सबको बोलना है वाई बराबर एल एन एक्स बाई एक्स, जल्दी बोलो। एल एन एक्स बाई एक्स क्या हो जाए? कौन सा है ये? कौन सा है बेटा ये? मस्त एक्स एक्स कटा दूँ है, ये एक्स एक्स कटा दूँ? नहीं कटाऊँ, क्यों? कितना मजा आएगा, दोनों एक्स कट जाएगा, एल एन बेचारा अकेला हो जाएगा है। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। इसके बिना ये अधूरा है, है ना। ये वाला जो क्वांटिटी है वो अलग हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी अलग है ना, इसको हम नहीं कटा सकते। समझे कि नहीं? ठीक है, तो बताओ एल एन एक्स क्या है? एक अलग फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। दे आर टू डिफरेंट फंक्शंस, तो यहाँ पर क्या लगेगा? डिविजन रूल लगेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। पहले किसको? एक्स को कॉन्स्टेंट, एल एन एक्स का वन बाई एक्स, फिर माइनस, फिर एल एन एक्स को कॉन्स्टेंट, एक्स का वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, मजा ही आ गया है ना। तो वन माइनस एल एन एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो ये देखो, ये हो गया हमारा। अगर मान लो मैंने लिखा y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, चलो बताओ डी वाई बाई डी एक्स, जल्दी बोलो बेटा। x को कॉन्स्टेंट, साइन x का cos x, फिर माइनस साइन x इंटू एक्स का वन अपॉन x का स्क्वायर, समझ गए? तो बहुत ही आसान है, ये हो गया हमसे। अच्छे से समझ में आया बेटे? तो चलो, ये अब अगर मैं लिखूं y बराबर एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, चलो बोलो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? ये अलग फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो u इंटू वी वाला लगेगा। क्या करते थे बेटा? पहले को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कितना? ex, फिर प्लस, फिर ex, फिर 2x, समझ गए?
तो ये हो गया बेटा हमारा ई एक्स कॉमन हो गया, एक्स भी कॉमन हो गया, एक्स प्लस टू आ गया। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। आगे बढ़ जाऊं, अब मान लो मैंने लिखा बेटा एग्जाम्पल ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ऐसा क्या करूंगा, यहाँ क्या लगेगा बेटा, चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्स हुआ करता था, अब क्या है पूरा एक फंक्शन है ना। तो क्या करूँ बताओ, डी वाई बाई डी एक्स कैसे करते थे, ई रेस टू एक्स क्या होता था, ई रेस टू एक्स ही होता था, मतलब सब आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। अब ये क्या है पूरा एक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, कितना बेटा 2x प्लस फोर, सो आंसर इज 2x प्लस फोर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। आया ना समझ में आपको अच्छे से, अब मान लो मैंने y बराबर लिखा ln x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, चलो बताओ बेटा dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो x की जगह क्या है ये है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। सबका जवाब नहीं आ रहा है, मतलब सबको नहीं समझ में आ रहा है, आगे क्या करूं, इनटू ठीक, तो ये हो गया बेटा 2x माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ठीक अच्छे से समझा। तो ये हो गया बेटे डिफरेंशिएशन की चीजें, कुछ दिक्कत है एक एक करके कराऊं, आज जैसे डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस करा दूं, कल इंटीग्रेशन करें, क्या कहते हो, हैं लाए हो बुक, दो बुक ओपन करो, करा है आपने क्वेश्चंस, उसके डीसी पांडे के क्वेश्चंस करे हैं आप लोगों ने, अच्छा चलो इसका एप्लीकेशन भी करा देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करना, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसके एप्लीकेशन भी आपने आगे पढ़े हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। तो याद करो बेटा, जैसे कि आपने स्पीड निकाला था, कैसे निकाला था बेटा स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्मूला था, डी एक्स बाय डी टी था ना, जिसमें एक्स क्या था बेटा, पोजीशन बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, है ना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर मेरे पास पोजीशन, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो अगर आपको पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, आप उसको प्यार से एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगा, समझ गए क्या। फिर क्या पढ़ा था बेटा, बोलो बोलो, एक्सेलरेशन बराबर क्या था, डी वी बाय डी टी था, क्या मतलब हुआ, इसमें वी क्या है बेटा, वेलोसिटी है, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, कि अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, उसको टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, ओके। और कुछ पढ़ा है हमने, याद करो बेटा फोर्स बराबर क्या हुआ करता था, डी पी बाय डी टी, बहुत अच्छे, डी पी बाय डी टी, पी इज वॉट, मोमेंटम। तो क्या मतलब हुआ बेटा, अगर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और कुछ पढ़ा है हमने बेटा, देखो अब आपके लिए और ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप ये सारे टर्म्स जानते हो, है ना। और कुछ पढ़ा है बताओ, हाँ वेरी गुड, ओमेगा बराबर क्या था, डी थीटा बाय डी टी, जिसमें थीटा क्या था बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट डज दिस मीन,
अगर थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजिशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी विल डिफरेंशिएट इट विथ टाइम एंड वी विल गेट क्या बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। और कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ वेरी गुड, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा क्या है बेटे? एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ठीक है। क्या मतलब हुआ? अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन दिया हो, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएंगे, है ना बच्चे? आ रहा है समझ में? और कुछ याद आ रहा है आपको? और कुछ याद आ रहा है बताओ? और कुछ याद आ रहा है? जल्दी बोलो। हाँ पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी, है ना? पावर इज डी डब्ल्यू बाय डी टी। वर्कडन को, वर्कडन अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हुआ, एक बार डिफरेंशिएट करें, आपको क्या मिल जाएगा बेटे? पावर मिल जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है? तो देखो बहुत सारे यूजेस अपने को मिलता है जहां तक हमने पढ़ लिया है वहां तक, ठीक है। इसके अलावा हम आगे आने वाले में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि करंट, है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? डी क्यू बाय डी टी, है ना? क्यू क्या है? चार्ज। अगर चार्ज पर यूनिट टाइम होता था ना करंट, ठीक है, तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे, हम उसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? चार्ज आ जाएगा। आ रही की नहीं बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कहाँ करते हैं बेटा? अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या बोलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना हो, है ना, मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना हो, फिर आप अपन फोर्स निकाला करते थे, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल के फंक्शन से फील्ड निकाला करते थे, है ना? निकाले थे अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में कि E बराबर क्या होता था? माइनस डी यू बाई डी आर होता था, होता था कि नहीं, याद आ रहा है? E बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, है ना? यहाँ पे यूज करते थे, मैक्सिमा मिनिमा ढूंढने में यूज करते थे, क्या करते थे बेटा? अगर U है तो आप उसको क्या करो, F बराबर क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर होता है, उसको इक्वल टू जीरो कर दो तो आपको क्या दे देगा? पढ़ा था हमने ये सारी चीजें, है ना? माइनस डी यू बाई डी आर करूंगा तो वो मुझे फोर्स देगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो वो मुझे ये बता देगा कि कहां पर फोर्स जीरो होगा। जहां पे फोर्स जीरो होता है बेटा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने में हम यूज कर सकते हैं इसको। फिर उस इक्विलिब्रियम कितने तरह के? तीन तरह के, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड जीरो इक्विलिब्रियम, है? स्टेबल के लिए क्या फिर देखा था हमने कि इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर करेंगे, चेक करेंगे ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, उसके बेसिस पर अपन क्या करते थे? तय करते थे कि, समझ रहे हो? और ओवरऑल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? ओवरऑल डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है, जैसे कि मान लो आप एक्स और टी के बीच में ग्राफ बना लो बेटा, है ना? क्या बोलते थे? पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था ना हमने, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर हमने एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाया, सपोज कैसा आया बेटा? इस तरीके का आया, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आया। इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ पर एक टेंजेंट डालो, इसको क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंट। समझ में आया क्या? ये टेंजेंट एक्स इसके साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा क्या देता है बेटा? क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। आगे क्या बात समझ में? ये स्लोप तुमको कैसे मिलता है? dx by dt करके, x को t के साथ डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो जब आप dy by dx करते हो ना, y क्या था? f of x था, तो y और x के बीच में क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा, y और x के बीच में ग्राफ बनेगा। जब हम y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे और उसका जब स्लोप निकालेंगे यानी टेन थीटा निकालेंगे, ठीक है, स्लोप या टेन थीटा अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे? बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx करते हैं। यहाँ पर x और t के बीच में है तो dx dt, मैंने आपको बताया था, कभी भी दो फंक्शन, है ना, स्लोप बोले तो क्या करने का? डिवाइड करने का, एरिया बोले तो क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। आ रही बात समझ में? एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इंटीग्रेशन,
है ना, और डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो मोटे मोटे तौर पर है ना बहुत सारे एप्लीकेशन हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। अगर हम डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते। ये तो कुछ झलकियाँ हैं, इसके तो बहुत सारे यूजेज हैं, है ना बेटे। अभी तक आपको 5-7 चैप्टर में ही कितनी बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, तो आगे तो अभी पूरा 1.5 साल रखा हुआ है, तो सोच लो कि कितना यूज़ होने वाला है। समझ रहे हो, बोलो। तो चलो, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने आता है कि मैं बताऊं? मैक्सिमम मिनिमम निकालने आता है कि मैं बताऊं? फटाफट बोलो, बताऊं? हाँ, तो देखो बेटा, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है उसको समझते हैं। फाइंडिंग फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो बेटे अगर मान लो मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3 ऐसा कोई फंक्शन है, यानी ये हो गया क्या, f ऑफ x हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ग्राफ बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ग्राफ बना सकता हूँ y और x के बीच में, समझा ना। तो मान लो ये मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ठीक, इस तरीके का मेरा कोई ग्राफ आया। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना बेटा, ये वो जगह है जहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x है, नहीं समझा। इस x की वैल्यू पर हमें y का क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली ये देखो y सबसे कम कितना है सर, तो ये y सबसे कम है, मिनिमम हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x कितना है, तो x2 है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक मैक्सिमा दिख रहा है, एक मिनिमा दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन का दोनों चीज़ आए, हो सकता है एक भी आए, हो सकता है कि दोनों चीज़ भी मिले आपको, समझा क्या। तो वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, कि कहाँ मैक्सिमा होगा कि कहाँ मिनिमा होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो बेटे आप यहाँ पर देखो, वाई और एक्स के बीच में हमने क्या देखा कि मैक्सिमा यहाँ है और मिनिमा यहाँ है। ये एक एग्जाम्पल है, हर बार ऐसा आएगा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग फंक्शन के लिए हम ग्राफ सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कभी हमारा क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता है, कभी पैराबोला आता है, कभी हाइपरबोला आता है, कभी एक्सपोनेंशियल आता है, तो अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, समझा कि नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या मेथड अपने को अपनाना है, ठीक। तो समझने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहाँ पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, बताओ टेंजेंट समझते हो, टेंजेंट मतलब क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट डालना है उसको टच करता हुआ एक लाइन खींचना है, ठीक है। तो देखो इसका टेंजेंट कैसा है बेटा, ऐसा। यहाँ पर टेंजेंट कैसा है बेटा, ऐसा। समझ गए क्या, आ रही बात समझ में। तो ये है टेंजेंट, क्लियर है मेरी बात। तो टेंजेंट आपको क्या देता है बेटा, टेंजेंट यानी टेन थीटा, टेन थीटा। थीटा किसके साथ देखोगे, इस एक्सिस के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। आ रही बात समझ में। तो बताओ यहाँ पर जो स्लोप दिख रहा है, टेन थीटा को ही अपन क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहाँ जो स्लोप दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बताओ, यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप है क्या, स्लोप क्या होता है, ऐसा ऐसा रहेगा तब स्लोप ना, ये तो ऐसा है क्या, स्लोप क्या है, स्लोप जीरो है, समझ गए क्या। तो मैंने क्या बोला, स्लोप कैसे कैसे निकाले जाते हैं, टेंजेंट डाल करके यानी टेन थीटा निकाल के, दूसरा मैंने क्या बोला, dy/dx करके, समझ गए, dy/dx करके, समझा ना। तो स्लोप यानी टेन थीटा यानी dy/dx, समझा। तो बेटे यानी कि हमेशा dy/dx होगा ऐसा जरूरी नहीं, y क्वांटिटी है और x क्या हुआ, जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होंगी, करना ये है अपने को, है ना। आगे बात समझ में। मान लो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, पर हमसे पूछता है कि बताओ कब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पर y की जगह कौन है, वेलोसिटी,
और एक्स की जगह कौन है, टाइम है, तो वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, वी और टी का निकालेंगे, डी वी बाई डी टी करेंगे, नहीं आ रही बात समझ में? तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स स्लोप हुआ, और वो स्लोप क्या है यहां पर देखो तो मैक्सिमा पे भी जीरो है और मिनिमा पे भी क्या है, जीरो है, तो इसको इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो, नहीं ना समझा, आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमा या मिनिमा पर स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला टास्क जो आपको करना है कि आपको स्लोप निकालना है, यानी डीवाई बाई डी एक्स निकालना है और उसको इक्वल टू जीरो कर देना है। एक्स क्या है बेटा, वेरिएबल टर्म है, तो जो भी उस फंक्शन में वेरिएबल टर्म है उसके साथ आपको एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देना है, वहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। आगे इतनी बात समझ। तो जब हमने ये काम किया, पहला चीज किया जब हमने dy by dx किया और उसको इक्वल टू जीरो किया, तो यहां पर हमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी मैक्सिमा है, यहां सॉरी मैक्सिमा का भी सेम केस है और मिनिमा का भी क्या है, सेम केस है। हमको अगर एग्जैक्टली पता करना है कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा है ना, एग्जैक्टली हमें पता करना है, तो ये चीज हमें ये बात नहीं बता रहा है, बता रहा है क्या, समझ आ रहे हैं? ये मुझे एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि कहां पर मैक्सिमा या कहां पर मिनिमा, समझ गए? हाँ, वहां पे स्लोप जीरो होगा, ये फिक्स है, तो स्लोप को हमने जीरो किया। जब हम स्लोप निकाल करके जीरो करेंगे बेटा, जैसे कि इस फंक्शन में करें, इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, आगे बात समझ में? तो बताओ स्लोप करो इसका, यानी डीवाई बाई डी एक्स करो, बताओ क्या आ रहा है, 2x माइनस 5, इसको इक्वल टू क्या कर लोगे बेटा, जीरो कर लोगे, तो यहां से आपको देखो क्या मिला, 5 मिला, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 बाई 2 आ जाएगा। तो देखो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली आपको, तो आपको समझ में आया, अच्छा यहां पर x की क्या मिली मुझे, सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है ना, x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, कभी x की आपको एक वैल्यू मिलेगी, कभी x की आपको दो वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मान लो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाता या 4 आ जाता, तो फिर क्या होता बेटा, आपको पता है ना, ये प्लस माइनस 2 आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे एक्स की दो दो वैल्यू मिलती, तब तब हमें मैक्सिमा भी मिलता मिनिमा भी मिलता, यहाँ पर क्या है एक ही वैल्यू आई, तो या तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा या तो मुझे मिनिमा मिलेगा, समझा कि नहीं? लेकिन दोनों का dy by dx का सिचुएशन क्या है, सेम ही है, तो वी आर नॉट कंफर्म ओनली ऑन द बेसिस ऑफ dy by dx, समझ गए? हाँ, लेकिन मुझे पोजीशन पता चल गया कि कहां पर मेरा मैक्सिमा या कहां पर मेरा मिनिमा होगा। फॉर दिस वैल्यू ऑफ x वी विल हैव द वैल्यू ऑफ y एज मैक्सिमम और मिनिमम, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब क्या करें बेटा, तो अब क्या करें, तो देखो यहां पर ये मैक्सिमा वाले प्लेस पर आओ और देखो, इसके जस्ट पहले स्लोप ऐसा होगा कुछ, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है, समझते हो ना, x एक्सिस के साथ लेस देन 90 पॉजिटिव होता है, तो अभी जो डी इसके जस्ट पहले जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, तो dy by dx क्या हो गया, नेगेटिव, अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में बेटा? तो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, ऐसे जा रहा हूं, ठीक है बेटा, और मैं इन दोनों का डिफरेंस, स्लोप का डिफरेंस देखूं, तो क्या होगा, ये फाइनल ये इनिशियल, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या मिलेगा बेटा, समझ में आया? ठीक है, जब हम स्लोप्स का डिफरेंस लेते हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू dy by dx का डिफरेंशिएशन, वो ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं किसका, dy by dx का ये ले रहे हैं, समझा क्या? तो ये क्या कहलाता है, d square y by dx square, what does this mean, कि डबल डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो ये वैल्यू क्या मिल रही, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव, तो जो डबल डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब क्या, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा पॉजिटिव, जीरो से छोटा नेगेटिव, ठीक है, तो अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आई, किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, आपको कहां, ये तो पता चल चुका है ना कि कहां पर आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है,
तो वहीं पे चेक करोगे ना, वाई की वैल्यू तो हजारों होंगी ना, जैसा जैसा एक्स रखूंगा वैसा वैसा वाई मिलेगा। मैं अभी पर्टिकुलर हो चुका हूँ किस पॉइंट पर, जो भी मेरा एक्स आया है वो मुझे पता चल चुका है वहीं पर मेरा मैक्सिमा या मिनिमा है, तो मैं सिर्फ उस एक्स की बात करूंगा ना, समझा कि नहीं। तो वो एक्स जो भी यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, जैसे कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला था बेटा, 2x-5 मिला था। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा किया, तो एक बार किया तो ये मिला, दोबारा करोगे तो क्या मिल रहा है बताओ, 2 आया, समझ रहे हो। तो डी स्क्वायर बाय डीएक्स स्क्वायर जो आया वो 2 आया। अब मुझे देखो इस डबल डिफरेंशिएशन करके जो आया वो क्या है, ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो मुझे एक्स रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें एक्स का टर्म आता तो कौन सा एक्स रखता मैं, जो फर्स्ट स्टेप में आया। इसको रखने के बाद जो मुझे मिलता, ठीक है, उसको मैं चेक करता कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। अगर 0 से छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं बेटा, है ना। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी मैक्सिमा, क्या बोल रहा हूं, क्या हुआ बेटा, मैक्सिमा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, समझ आया कि आपको, क्या बोला मैंने, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आई मतलब नेगेटिव आई तो वो वाला पॉइंट क्या है आपको, मैक्सिमा है, समझ गए। अब ये समझ में आया हमको कि कहां पर मेरा मैक्सिमा मिलेगा, अब ये मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो। तो क्या पूछ रहा है आपसे, y की वैल्यू पूछ रहा है, y का फंक्शन है ना, आपको समझ में आ गया कि कहां मैक्सिमम होगा, कौन से x पर। फिर से मैं बोल रहा हूं, y की हजारों वैल्यू होगी अलग अलग x के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन आपको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए, जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है। आपको पता चल चुका ना कि कहां पर मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा, ये पता चल चुका, तो आपको क्या निकालना है कि वो मैक्सिमा कितना है या वो मिनिमा कितना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इसमें उस एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि इस कंडीशन में हमें समझ में आया कि हाँ चलो ये तो बात हो गई किसकी, मैक्सिमा की, समझा। अब मिनिमा के लिए क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ है देखो, है ना, इसके जस्ट पहले स्लोप कैसा बेटा बोलो, और इसके जस्ट बाद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइनस माइनस, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहां पर जो डबल डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो क्या आएगा, समझ में आ रहा है। और यहां पर तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया तो ये क्या कहलाता है बेटा, मिनिमा कहलाता है, तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। आ रही ना बात समझ में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमा है और यहाँ मिनिमा है, ओके। तो बताओ यहाँ पर आपको जो मिला है ये 2, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो किसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मिनिमा का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। इसका मतलब इस x की वैल्यू पर मुझे y की वैल्यू जो मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे बेटा और जो वो y होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ y मिनिमम, रखो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5×5/2 प्लस 3, 25/4 माइनस 25/2 प्लस 3, ठीक है। 25/4 माइनस 25/2 कितना होगा बेटा, माइनस 25/4 प्लस 3, माइनस 25 प्लस 4 दिया 12/4 माइनस 13/4, सही करा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, है आया क्या समझ में, क्लियर है। तो देखो ये इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटा नहीं आएगा, समझ गए क्या। और ये कब मिलेगा, तो x बराबर 5/2 पर, आया समझ में मैक्सिमम मिनिमा निकालना, अच्छे से समझा, एप्लीकेशन भी समझ में आया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कर डालो बेटा। कहाँ से करोगे, किधर है डिफरेंशिएशन,
कैलकुलस देखो, पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, पेज नंबर 5 से, पेज नंबर 5 से एक एक एग्जांपल कर लो। अभी इस बार कोई ढिलाई मत बरतो, इस बार चूके तो फिर दोबारा कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो बेटा, एक एक एग्जांपल सहित कर लो। कहाँ से एग्जांपल चालू होता है आपका? एग्जांपल नंबर 0.6 से, ठीक है। एक एक कर लो एक्सरसाइज तक, ठीक है, साथ में कर लो मेरे।
सी वन क्वेश्चन विच इज द एग्जाम्पल नंबर 0.09 एग्जाम्पल नंबर 0.9 क्या बोलता है कि 1000 को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करो, है ना, यही बोल रहे हैं ना, ताकि उसकी प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम आए, यही है ना बेटा, बोलो। तो 1000 है उसको दो पार्ट करना है, 0.9 ना, एग्जाम्पल 0.9। तो बेटा 1000 में से एक x ले लूं तो दूसरा क्या हो गया 1000 माइनस x, तो इसका प्रोडक्ट कितना हुआ बेटा x इंटू 1000 माइनस x। अब इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, नहीं कर लूंगा मैं, करोगे ट्राई बेटा, अब होगा बताओ इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, तो किसके साथ डिफरेंशिएट करूं इसको, x के साथ एक बार डिफरेंशिएट करके, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1000x माइनस x स्क्वायर y बराबर, तो ये मेरा फंक्शन क्लियरली दिख रहा है कि y x का फंक्शन है ना, इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, x के साथ करूंगा, बता दो कितना आया बेटा, इसका कितना आया 1000 और इसका कितना आया 2x। पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था बेटा आपको, इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो, तो 1000 बराबर क्या हो गया देखो 2x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया बेटा 500, आगे बात समझ में, x बराबर क्या आ गया 500। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम आए, प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम आए, तो वो ऑलरेडी बोल चुका है कि क्या ढूंढना है हमें मैक्सिमा, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैक्सिमा की मिनिमा, वो ऑलरेडी बोल चुका है, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू ढूंढना था, वो पता चल गया कि x बराबर 500 लूंगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा वो भी 500 हो जाएगा, है ना, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। व्हाट इज द आंसर, समझ में आया, ठीक। अंडरस्टूड ना, और बोलो बेटा,
इस बार अगर तुम बोले कि मैं आप नहीं समझ में आए तो भगवान नहीं बचा सकते इसको क्या नहीं समझ में आया एक्सेल की फाइल फाइल बोला था सामने ले जाना इसको माइनस करना इसको नहीं कर पाएंगे तो नहीं पाएंगे क्या ये क्या समझ में आया बताओ क्या बोला था मैंने पावर पावर है पावर सामने आ जाए इस बार नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखा बेटा पहले जरा क्वेश्चन नंबर 0.10 देखो 0.10 क्वेश्चन नंबर 0.10 सॉरी 10 क्या कह रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है हाँ एस बराबर अल्फा प्लस बीटा टी अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस लेमडा टी रेस टू फोर लेमडा टी रेस टू फोर जिसमें क्या बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या है कांस्टेंट है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन क्या चाहिए मतलब मुझे चाहिए वेलोसिटी कब इनिशियल इनिशियल मतलब क्या होता है बेटा टी इक्वल टू जीरो तो वी एट जीरो और एक्सेलरेशन एट जीरो का
रेशियो चाहिए, है ना? कितना किए हैं? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर ये पूछोगे तुम लोग तो कैसा लगेगा मुझे, है ना? कितनी खुशी होती है, एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है मन, है ना? चलो तो भाई भी कैसे निकलेगा, तो अभी अभी हमने सिखाया था ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने क्या बोला था, पोजिशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड या वेलोसिटी मिलेगा। तो वी निकालने के लिए इसको कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार। तो अल्फा का डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, यहाँ पर बीटा क्या है, कॉफिशियंट है, तो कॉफिशियंट एज इट इज टी का वन प्लस गामा, और गामा कांस्टेंट है एज इट इज, टी स्क्वायर का टू टी, लेमडा कांस्टेंट और टी रेज टू फोर का फोर टी क्यू, ठीक है? तो क्या आ गया बेटा, बीटा प्लस टू लेमडा टी प्लस लेमडा फोर लेमडा टी रेज टू थ्री, दिस इज वॉट वी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें हजारों टाइम रख सकते हैं, हजारों वेलोसिटी आ सकता है, लेकिन हमें कब की चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पर की चाहिए। तो यहां पर क्या रखूंगा, टी इक्वल टू जीरो रखूंगा। क्या गिरा भाई, भूकंप, ठीक है? तो वी एट जीरो, तो टी जहां जहां है बेटा वहां पर जीरो रख देंगे, तो बीटा और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो वी इनिशियल कितना आया बेटा, जीरो आया, समझ गए ना? अब बताओ दूसरा क्या चीज निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन के लिए क्या बोला था हमने, किसको डिफरेंशिएट करोगे, वी को डिफरेंशिएट करोगे। वी मिल चुका है क्या बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है ना? तो करो डिफरेंशिएशन बीटा का, क्या, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर टू लेमडा क्या है, कॉफिशियंट है, टू लेमडा एज इट इज, टी का क्या बेटा वन, फोर लेमडा एज इट इज, टी क्यूब का क्या थ्री टी स्क्वायर, ठीक? तो क्या आ गया बेटा, टू लेमडा प्लस फोर डेल्टा, सॉरी ट्वेल्व डेल्टा टी क्यूब, दिस इज एक्सेलरेशन। अब बेटा इसमें टी है, टी हजारों हो सकते हैं, हमको कौन सा वाला चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पर का चाहिए, तो टी क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो ए एट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा बेटा, क्या बचा, टू गामा, टू गामा। तो किसका किसका रेशियो चाहिए था, इसका और इसका, कर डालो, है ना? देखो वी जीरो क्या आया था, बीटा, और ये क्या आया, टू गामा, सो द आंसर इज बीटा बाय टू गामा, अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज चेक पॉइंट 0.2 का क्वेश्चन नंबर 3, चेक पॉइंट 0.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आया समझ में? अभी अगर मेहनत में कंजूसी करा तुमने तो बहुत भारी पड़ेगा, फिर मेरे पास आए ना, सर मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता सर, मेरे को तो इंटीग्रेशन पल्ले नहीं पड़ता सर, ये सब बोलने आए फिर तो मैं कूटूंगा वहीं पे, समझे क्या? चेक पॉइंट 0.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटे, कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ, टी क्या है टाइम और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो टी कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का वन बाई टू, यानी रूट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। आगे हमसे पूछता है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, व्हाट वी वांट, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, एक्स ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो भाई साहब क्या करें, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो पहले मुझे क्या होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए टाइम के साथ, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वी मिलेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ए मिलेगा, यही पता है ना अपने को। तो चलो ये है हमारे पास सोर्स, तो टी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, बोथ साइड स्क्वायर करो, रूट गायब हो गया, है ना बेटे? तो एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, अभी तक कोई दिक्कत, समझ गए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, अच्छे से समझा? अब देखो बेटा एक्स किसका फंक्शन दिख रहा है, एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है ना, तो ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, टी के साथ,
होगा कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या है देखो, ये टी, ये क्या है, कैसे करूं इसको, सोचो दिमाग लगाओ। तो पहले तो ये x का ही फंक्शन दिख रहा है, x का स्क्वायर है ना, तो उसका x के साथ करूंगा तो क्या होगा 2x, और फिर हमें क्या करना है इसको t के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा dx by dt। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, पक्का बोलो भाई। ठीक, तो 2x into dx by dt, क्योंकि 2x कैसे मिला, x के साथ करके, लेकिन मुझे करना किसके साथ है, t के साथ, तो फिर मैं x को t के साथ करूंगा ना, तो dx by dt equals to 1 का क्या हो जाएगा बेटा, 1 का क्या हो जाएगा, अब बोलो इतना देर क्यों लगा, कांस्टेंट है ना 1, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है क्या तुमको। ठीक है, और t square का क्या, क्योंकि टाइम के साथ ही कर रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ये हो गया बेटा 2t। आ गई बात समझ में है, तो 2x dx बराबर 2t dt, कुछ दिक्कत है तो बताओ। तो ये 2 और क्या किया मैंने, ओके इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे ये बात बताओ बेटा, ये dx by dt क्या होता है, v होता है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, 2 into x into v बराबर क्या बचा बेटा 2t, 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, x into v बराबर क्या बचा, t बचा, अच्छे से समझा, ओके। अब x क्या है उसमें, x क्या है और v क्या है, अलग अलग चीज है ना, तो u और v हुआ, आ रहा है समझ में, u और v हुआ। अब मैं वापस से इसको क्या कर रहा हूँ, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बोलो। ठीक है, वापस से क्या कर रहा हूँ, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x को कांस्टेंट रखूँ, v को डिफरेंशिएट करूँ, फिर v को कांस्टेंट रखूँ, x को डिफरेंशिएट करूँ, नहीं समझ आ रहा है ना, और t का समझ आ रहा है, क्या हो गया बेटा dv by dt क्या होता है, वाह वाह, x into a plus v, ये क्या होता है बेटा, आ रहा है समझ में, तो v into v क्या हो गया, x into a plus v square बराबर 1, तो x into a बराबर 1 minus v square है ना, तो a बराबर बेटा 1 minus v square by x, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, ओके। अब थोड़ा सा पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, यहां आओ, ठीक है, x into v बराबर क्या है बेटे, t है ना, x into v बराबर t है। अब ये t के बदले इसको रख दो क्या, यहां पे इस t के बदले ये रख सकता हूं मैं, क्या होगा, मजा आएगा, x square equals to 1 plus t के बदले x into v का square, चलेगा ना, इसको इधर ले आऊं क्या, तो x square minus x square v square बराबर 1, तो x square common ले लूं, 1 minus v square बराबर 1, तो x square बराबर, sorry, 1 minus v square बराबर क्या, 1 by x square, इसके बदले ये रख लूं क्या, 1 minus v square, 1 minus v square, क्या आएगा बेटे, a बराबर 1 by x पहले से था, और 1 minus v square के बदले 1 by x square, how much, 1 by x cube, नहीं ना समझा बेटे तुमने, अच्छे से समझा, ओके, और किसी के पास, ये लो, और किसी के पास, डाउट है, ठीक है।
ठीक है ना, आपका क्या होगी?